नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 21 अगस्त 2024 को पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जिस मामले में अब पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है, जहां घटना के मास्टरमाइंड शहजाद अली को गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद अदालत में चुपके से सरेंडर करने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट के बाहर ही दबोच लिया। देखिए रिपोर्ट। छतरपुर कोतवाली पर पथराव के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली को पुलिस ने मंगलवार 27 अगस्त 2024 दोपहर को गिरफ्तार कर लिया। हाजी चुपचाप तरीके से कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था, तभी पुलिस को शक था कि हाजी शहजाद अली जल्द ही कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। इस सूचना पर अदालत के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। जैसे ही वो दिखा, उसे हिरासत में ले लिया गया। वहीं छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक आईपीएस अगम जैन ने शहजाद अली की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में फरारी के दौरान उसके ठिकाने, उसके मददगारों और आकाओं के साथ तमाम अन्य बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया। पुलिस आरोपी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अदालत में कांग्रेस नेता की कस्टडी रिमांड की मांग की, जहां पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड में पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि हाजी शहजाद के आगे का प्लान क्या था। आपको बता दें कि प्रशासन ने हाजी शहजाद अली पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही थी। लुकआउट नोटिस जारी करके उसके फरार होने के सभी संभावित स्थानों पर कड़ी चौकसी बरती गई थी। हाजी शहजाद अली के साथ साथ अब तक इस केस में कुल 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 6 आरोपियों को जिला बदर भी किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अन्य सबूतों से थाने पर हमले के अन्य फरार आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इस केस में कई और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। वहीं आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी का आरोप लगाकर छतरपुर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। उसी भीड़ का नेतृत्व तो हाजी शहजाद ही कर रहा था। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। हमले के बाद हाजी शहजाद फरार चल रहा था। उसकी करोड़ों की कोठी पर प्रशासन पहले ही बुलडोजर चला चुका है। इसी दौरान उसके वाहनों को कुचल कर कबाड़ बना दिया गया था। प्रशासन इस बात की भी जाँच कर रहा है कि महज कुछ सालों पहले ठेले पर कपड़े बेचने वाला शहजाद इतने कम समय में करोड़पति कैसे बन गया था। पुलिस आरोपी शहजाद अली से घटना को लेकर पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि शहजाद अली से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आरोपी शहजाद फरारी के दौरान कहां रुका और किन किन लोगों ने उसकी मदद की और वो किन किन लोगों से मिला। छतरपुर थाने में पथराव की घटना सुनियोजित तरीके से हुई थी, इसके बारे में भी जानकारी जुटाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।